मॉर्निंग फ्रेंड्स और ड्रीम चैनल, माय नेम इज प्रिंस पाठक। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एंटीवायरस की। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं एंटीवायरस क्या होता है और हमारे लिए क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम्स को वायरस के अटैक से बचाता है। हम सभी के सिस्टम्स में इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर उन पे वायरस का अटैक हो जाएगा तो वो करप्ट हो जाएंगी या तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसलिए हम अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखते हैं, जिससे हम अपने सिस्टम को वायरस के अटैक से प्रिवेंट कर सकें। तो दोस्तों ये हो गई छोटी सी बात एंटीवायरस की। अब क्वेश्चन बनता है कि हमें कौन सा एंटीवायरस यूज करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल हैं, जैसे कि हो गया अवीरा, हो गया बिट डिफेंडर, हो गया अवास्ट, हो गया जी डेटा, हो गया पांडा, हो गया एफ सिक्योर, हो गया बहुत से एंटीवायरस अवेलेबल हैं। लेकिन सभी ना सभी पेड वर्जन में भी अवेलेबल हैं और उनके ट्रायल भी अवेलेबल हैं। दोस्तों ट्रायल वर्जन वो होता है कि हमें सॉफ्टवेयर कुछ दिनों के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए यूज करने की परमिशन देता है। ये परमिशन आपकी हो सकती है 15 डेज की हो सकती है, 20 डेज की हो सकती है, 25 डेज की हो सकती है और 30 डेज की हो सकती है। अगर उसके बाद हमें इनकी सर्विस अच्छी लगती है तो हम इसको परचेज करके आगे भी यूज कर सकते हैं। और हम लोग दोस्तों जब ट्रायल वर्जन यूज कर लेते हैं, फिर हम लोग सर्च करते हैं जिसकी कीज हमेशा जो हमें मिलती नहीं है तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अवास्ट के बारे में बात करूंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि अवास्ट को हम लोग ट्रायल पीरियड के बाद कैसे यूज करें, वो भी ऑफिशियली। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, अपने सिस्टम में अवास्ट को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसपे आप डायरेक्टली क्लिक करके अवास्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने अपने सिस्टम में अवास्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। और उसके बाद में जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर इंस्टॉल कर लेंगे, आपके सिस्टम में यहाँ देखिए नीचे आइकन आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे ठीक, और यहाँ देखिए लिखा यू आर प्रोटेक्टेड ठीक, इस पे हमें क्लिक करना है ठीक। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों इसकी सेटिंग है ठीक, फर्स्ट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सेटिंग है, और इसको चेक करते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी मिली है। हम नैन अवास्ट को डाउनलोड किए हैं, अब इसका देखते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितनी है। रजिस्ट्रेशन में जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, और देखिए लिखा यू आर नॉट रजिस्टर्ड ठीक है। और देखिए इसकी वैलिडिटी कितनी है, 30 डेज, मतलब ये 30 डेज का ट्रायल पीरियड इन्होंने हमें दिया है। इसके बाद में अगर हमें ये अच्छा लगता है तो क्या है दोस्तों, इसको हम आगे भी परचेज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 30 डेज बहुत कम दिन होते हैं। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि इसी अवास्ट को हम 1 ईयर तक कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गूगल पे आपको लिखना है अवास्ट 1 ईयर रजिस्ट्रेशन। ठीक दोस्तों, वैसे तो दोस्तों ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा, इसकी दोस्तों मैं आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा, जिसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके अपने अवास्ट को 1 ईयर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए अवास्ट का रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया। इसमें सबसे पहले हमें नेम डालना है, फर्स्ट नेम, चलिए मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ, टेस्ट डाल देता हूँ क्योंकि मैं टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, और लास्ट नेम भी डाल देता हूँ, चलिए टेस्ट भी डाल देता हूँ। ईमेल आईडी, दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी डालेंगे वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी ईमेल आईडी डाल देते हैं जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उस पे इसका मेल नहीं आ पाएगा। और दोस्तों एक आपको और बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो वर्किंग ईमेल आईडी है इस पे अवास्ट की तरफ से हमेशा कूपन्स आते रहेंगे, ऑफर्स आते रहेंगे। अगर 1 ईयर के बाद आपको इसकी सर्विस अच्छी लगती है तो आप उस कूपन का यूज करके कम दाम में भी परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आप मेल आईडी डालेंगे वो वर्किंग होनी चाहिए ठीक। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालिए और री इंटर ईमेल आईडी, हमें फिर से एक बार ईमेल आईडी इसमें इंटर करना है, कंट्री इंडिया। और दोस्तों ये देखिए ऑप्शनल है, जैसे ये व्हाई डिड यू चूज अवास्ट, अवास्ट हमने क्यों चूज किया है, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव मीडिया रिव्यू, जो भी आप डालना चाहें, कोई इसमें ऐसे बाउंडेशन नहीं है। डिड यू ऑलरेडी हैव एंटीवायरस ऑन दिस पीसी, चलिए हमने इसको कर दिया नो। योर एज, जो एज हो हमारी ये मैंने डाल दिया। कंप्यूटर एबिलिटी, कंप्यूटर किस लेवल की हमें नॉलेज है, चलिए हमने ये डाल दिया। और हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया ठीक है दोस्तों। जब हमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने देखिए ये एक
मैसेज जनरेट हुआ, लिखा योर रजिस्ट्रेशन वॉज सक्सेसफुल, योर फ्री लाइसेंस की इज सेंड बाई ईमेल विद इन द 30 मिनट्स आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। मतलब जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है इसके 30 मिनट के अंदर हमारी ईमेल आईडी पर एक जो लाइसेंस की है वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक, अगर हम यहाँ लिखा हुआ है इफ यू डोंट रिसीव योर लाइसेंस विद इन 24 आवर्स प्लीज चेक योर जंक्स और स्पैम फोल्डर। मतलब अगर 24 घंटे के अंदर अगर हमें फिर भी अगर हमें लाइसेंस की नहीं मिली तो स्पैम फोल्डर ईमेल के अंदर उसमें देख लीजिए उसमें हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी चेक करते हैं, शायद अब तक आ भी गया हो। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे नहीं आया है, इसमें भी यहाँ पे आवास की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है। दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सम टाइम ये आपका 1-2 मिनट्स में भी आ जाता है और कभी कभी होता है ये 3-4 आवर्स भी लगा सकता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप इसको वॉच करते रहिए कंटिन्यू, आपका जब आ जाएगा उसके बाद में आप उसको लाइसेंस की को आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों हमें मेल आ चुका है, चलिए इसे चेक करते हैं। इसमें देखिए आवास की तरफ से मेल आया है, ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है डियर अवास्ट यूजर, योर अवास्ट फ्री एंटीवायरस रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, योर लाइसेंस की मस्ट नाउ बी इंसर्टेड इनटू द प्रोग्राम। जो लाइसेंस की इन्होंने सेंड किया है इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए जिस आवाज का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ दोस्तों जो सेटिंग है इस सेटिंग पर एक बार क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ देखिए 30 डेज का जो ट्रायल था अभी तक, ठीक है अब ये 1 ईयर हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, इस जगह पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और हम करेंगे इसमें इंसर्ट द लाइसेंस की, जो अभी हमने वहाँ से कॉपी किया था वही इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, और देन ओके कर देंगे, हमने ओके कर दिया फ्रेंड्स, और देन उसके बाद में ओके। चलिए हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें क्या चेंजेस हुए। रजिस्ट्रेशन पे गए, ये देखिए दोस्तों इसमें 377 डेज रिमेनिंग दिखा रहा है, मींस हमारा ये आवाज जो था ये 1 ईयर के लिए रजिस्टर्ड हो गया है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग अपने आवाज को रजिस्टर्ड कर सकते हैं 1 ईयर के लिए फ्री यूज के लिए। दोस्तों हम आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।